मिट्टी अंबाई बुजुर्ग काला कौसाम्बी की घटना है, जहां लगभग 200 से अधिक दलित परिवार के लोग रहते हैं। यहां किसी भी दलित परिवार के पास कॉलोनी नहीं है। यदि इनको इंदिरा आवास कॉलोनी का लाभ मिल पाता तो शायद इनकी भी कुछ समस्या हो पाती। यहां रामपति जी जो हैं, उनका मकान कच्चा है, जो बारिश सीजन में गिर जाता है, और इन्हीं मकान कच्चा होने के जरिए से इनकी बच्ची छप्पर के नीचे सो रही थी और जहरे विषैले क्या नाम जीव ने इनको डस लिया और उनकी बच्ची का देहांत होता। यदि घर पक्का होता इनका या इनको कॉलोनी मिली होती तो शायद इनके साथ जो हादसा हुआ है ये ना होता। इनके अलावा भी यहाँ पार्वती, राम सजीवन और भी तमाम महिलाएं हैं, दलित परिवार के लोग हैं, जिनको इन सब चीज़ों से वंचित होना पड़ रहा है। कच्चा घर है, गिर रहा है, भीतर गिरा है, बाहर अच्छा है, तो छपरा है, छपरा के नीचे हमारी लड़की पड़ी रही है, किरवा काट ली, खत्म हो गई। प्रधान से कहा, प्रधान सुनाई नहीं करते, सुनाई की है नहीं, तो हाँ हो गई, फिर नहीं भया। तो क्या आपने कुछ लिखित रूप से कुछ दिया था? कहा नहीं, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, नहीं और है प्रधान जी से कॉलोनी दे भी नहीं है, नहीं पक्का घर बना हो, पक्के घर में रहे, कच्चा घर है, किरवा काट ली, सबने लड़की को खत्म हो गई है। हमारा घर कच्चा है और बारिश हुई है और कहाँ बैठी कहाँ उठी और सब कपड़ा भीग गए, न खाने का ठौर है न पौढ़ने का ठौर है। यहाँ के दलित परिवार के जो सदस्य हैं, जिनको इंदिरा आवास का लाभ मिलना चाहिए, जिससे इन लोगों की स्थिति में सुधार आ सके और ये समस्या ग्राम प्रधान द्वारा भी दूर कराई जा सकती है। ग्राम प्रधान का नंबर है 8756 83 26 68। इस नंबर पर देखने वाले सभी वीडियो दर्शक कॉल कर चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं महेश कुमार, अंबाई बुजुर्ग, कड़ा कौसाम्बी से, इंडिया अनहर्ड के लिए।